Hello, John. let's read this question. The question says Three closed vessels A, B, and C at the same temperature T and contain gases which obey the Maxwellian distribution of velocities. Vessel A contains only O2, B only N2, and C is a mixture of equal quantities of O2 and N2.

तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट की देखिए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड वी नो डेट फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए वी एवरेज इज इक्वल टू हो जाता है एट के टी बाई पाई एम एट के टी बाई पाई एम बच्चे एट के टी बाई पाई एम यह है एवरेज स्पीड एट के टी बाई पाई एम जहां टी टेम्परेचर है के बोल्जमैन कॉन्स्टेंट है एम मोलर मास है और पाई तो आप जानते ही हैं यानी कि वी कैन सी कि वी एवरेज जो है यानी जो एवरेज स्पीड है गैस मॉलिक्यूल्स का गैस मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज स्पीड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनल है रूट टी के और साथ में इनवर्जली प्रोपोर्शनल होगा रूट ओवर एम रूट ओवर एम यानी मोलर मास का जो स्क्वायर रूट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां से हम ये कॉन्क्लूजन निकाल लेते हैं कि जो एवरेज स्पीड होता है गैस मॉलिक्यूल्स का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे temperature पे temperature पे और मोलार मास पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मोलार मास पे डिपेंड करता है अब सवाल पे आ जाइए सवाल में तीन डब्बे हैं हमारे पास डब्बा वन डब्बा दो नंबर और डब्बा तीन नंबर बॉक्स हैं तो बॉक्स डब्बा ही तो होगा ए बी सी नाम दे दीजिए ए बॉक्सेस के नेम है ए बी एन सी पहले में कौन है बच्चे पहले में ओ टू है ओनली ओ टू है पहले डब्बे में ओ टू है दूसरे डब्बे में एन टू है और तीसरे डब्बे में ओ टू प्लस एन टू है और क्वेश्चन में गिवन है कि जो ओ टू और एन टू है उनके जो एवरेज स्पीड है डी वन है कि इसका वी वन है इसका वी टू है तो आप बताइए कि जो थर्ड बॉक्स है जिसमें ओ टू और एन टू है इसमें ऑक्सीजन का एवरेज कितना होगा एवरेज स्पीड तो भाई सवाल एकदम सिंपल है क्योंकि बहुत ही आसान सा है देखिए अभी हमने देखा कि जो एवरेज स्पीड है का केवल केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर और मोलर मास पर तो अगर पे अगर हम यहाँ पे डब्बे नंबर सी में यानी सी बॉक्स में अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वहां पर मास सेम ही रहेगा डब्बा चेंज कर लेने से ऑक्सीजन का मोलार मास तो चेंज नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा ओके दूसरा बात जो है टेम्परेचर भी सेम ही है टेम्परेचर अलग है नहीं तो अब अगर टेम्परेचर भी सेम ही है मास भी सेम ही है तो ऑक्सीजन का जो एवरेज स्पीड है ऑक्सीजन के जो गैस मॉलिक्यूल्स का वो भी सेम ही रहेगा कि सी में भी क्या रहेगा V1 ही रहेगा जो बॉक्स है ना उसमें भी ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एवरेज स्पीड वी वन ही रहेगा क्योंकि जो एवरेज स्पीड है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और मोलर मास पे मोलर मास वही रहना है टेम्परेचर भी वही है इसलिए आंसर हमारा वी वन रहेगा ऑप्शन कौन सा है बी सो करेक्ट ऑप्शन इज बी वी वन सो करेक्ट ऑप्शन इज बी वी वन